नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो ये पावर बीआई की डीवीडी है। हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से पावर बीआई क्या और कैसे डाउनलोड आईडी वगैरह। तो आई होप कि आप लोगों ने पावर बीआई को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया होगा और उसकी आईडी जो है आपने क्रिएट कर ली होगी, ताकि वेब वर्जन को भी इस्तेमाल कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम बात करेंगे आज की इस पेन ड्राइव की वीडियो में कि पावर बीआई क्या एक्चुअली में हम इस्तेमाल करेंगे कैसे। एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ मैं, एक छोटा सा रिपोर्ट्स बना के आपको बताने वाला हूँ कि आखिर पावर बीआई से कैसे रिपोर्ट को ओपन करेंगे। तो जब से पहले जैसे पावर बी आई हमारा ओपन होता है, तो ये आपका पॉपअप आता है। इसमें आपके वार्ड्स न्यू मतलब कि ये कम्युनिटी है, जहां आप क्लिक करके अपने ये वार्ड्स, ये आपका जो पावर बी आई की जो ब्लॉग्स है, फॉरम है, उन सबों पे आप देख सकते हैं, जो ट्यूटोरियल है उसको देख सकते हैं। यहाँ पे रिसेंटली कुछ वीडियोज हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे रिसेंटली यूज की गई हमारे डेटाबेसेस है, और यहाँ आपका गेट डेटा, मतलब कि इसमें सबसे पहले तो डेटा लोड करना पड़ेगा। पावर बी आई का खुद का कुछ डेटा होता नहीं है, तो किसी किसी डेटा ऐसे रिसोर्सेज से इसमें डेटा को लोड करना होता है। तो आप इस पे क्लिक करके भी लोड कर सकते हो, या फिर अगर आपने इसको कट कर दिया है तो यहाँ ये डेटा में जाएं और यहाँ से भी लोड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक एक्सेल की फाइल है, हम उसको लोड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ इस पे एक्सेल पे क्लिक करते हैं और एम डेटा पे जाते हैं और इसको ओपन करते हैं। और ये डेटा लोड हो रहा है, बिल्कुल एक्सेल की तरह लोड होता है। तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे लोड कर दिया। बिल्कुल पिवट टेबल की तरह होता है, जैसे पिवट टेबल यूज करते हैं उस तरह से यूज होता है कि जैसे जैसे आप फील्ड को उठाकर जहां जहां मूव करोगे उसी तरह से का आपका पिवट बनता जाता है। तो यहाँ पे पिवट के डेटा के जगह पे, समरी की जगह पे, यहाँ पे विजुलाइजेशन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे पिवट टेबल की अपेक्षा बहुत सारे फीचर्स है। तो ये हमारे सारे पार्ट नेम है, सिटी है, क्वांटिटी है और यहाँ पे डेटा वगैरह है। तो इसमें आप डेटा को कैलकुलेट भी कर सकते हो। जी हाँ, जैसे पिवट में कैलकुलेट करते थे, जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ डेटा पे क्लिक किया है, यहाँ पे नेम ए आपका प्रोडक्ट के जो साथ है, इसमें टोटल नहीं है, मैं चाहता हूँ इन सबों का टोटल निकालूँ और इस पर मैं टैक्स और कमीशन निकालूँ। तो यहाँ मॉडलिंग में जाऊँगा और यहाँ पे न्यू कॉलम पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बार आ जाएगा जिसमें फॉर्मूला लगा सकता हूँ, जिससे मैं यहाँ पे दे दिया टोटल, और टोटल में मैंने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो कि P1 प्लस P2, टैप इसे एरो की से सिलेक्ट कीजिए और टैप प्रेस कर दीजिए, प्लस P, एरो की से ऊपर जाता हूँ P3, टैप दिया सिलेक्ट हो गया, प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 प्लस P7, यहां पे टोटल डेटा आ गया। तो इस तरह से चीजें आप टोटल कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो। फिर वापस चलता हूं मैं, और मैं यहां पे नेम यहां रखता हूं और फिर मैं यहां पे इसको उठा के यहां पे मैं अपना प्रोडक्ट 1 रखता हूं, तो प्रोडक्ट 1 को यहां पे भी रख सकते हैं इस तरह से। तो यहां पे प्रोडक्ट 1 का, तो ये तो आपका डेटा डेटा व्यू में आया, लेकिन इसको डेटा में नहीं, आप इसको अलग अलग फॉर्मेट में रख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे टोटल को यहाँ इसमें पहले आप विजुलाइजेशन सेलेक्ट कीजिए यहाँ से, और फिर मैं टोटल को उठाया और यहाँ पे रख, किसी में माउस काम नहीं करता सही से, गलत हो गया था। हाँ, यहाँ पे टोटल को उठाता हूँ मैं, यहाँ रख देता हूँ। तो पिवट कैसी होनी चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक और यहाँ से उठाता हूँ,
और मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, मेरे माउस की बैटरी खत्म हुई थी, मैं बैटरी चेंज कर रहा था सर, और टोटल उठाया मैंने इस पर रख दिया। और यहाँ पे जैसे पिवट टेबल में कैलकुलेशन होती है, यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन होती है कि टोटल मिनिमम वैल्यू एट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल का इसने क्या किया हुआ है, सम किया हुआ है, मैंने इसको यहाँ पे एवरेज कर दिया। तो एवरेज जो है हमारा एवरेज पर यहाँ पे टोटल जो है ये आपका आ रहा है, और यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे पी वन का टोटल, अब इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा कौन सा विजुअलाइजेशन आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको लेता हूँ, और इसमें मैंने नेम ले लिया और ले लिया हमने पी वन का टोटल। फिर वापस हम यहाँ पे इसी को लेते हैं, या कोई और विजुलाइजेशन भी चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम हो गया हमारा प्रोडक्ट टू का टोटल, उसके बाद फिर मैं इसी को चूज करता हूँ, यहाँ पे नेम हो गया और हमारा हो गया प्रोडक्ट थ्री का टोटल। फिर वापस मैं इसी को चूज करता हूँ और यहाँ पे हो गया प्रोडक्ट थ्री एंड फोर, यहाँ पे हमारा फोर आ गया। इसे और भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग होती है, तो हम आपको आगे क्लासेस में समझाएंगे। फिलहाल मैं बस यही दिखाना चाह रहा हूँ कि आगे हम डैशबोर्ड्स अपना बनाते कैसे हैं, सिंपल सा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ट्री मैप चार्ट लेता हूँ और यहाँ पे नेम एंड टोटल रख देता हूँ, जो हमने टोटल निकाला हुआ है। और यहाँ पे मुझे ये तो होगी, ओके सो आई हैव, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट द डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स हियर। नाउ आवर चार्ट्स विल बी रेडी, आवर डैशबोर्ड्स विल बी रेडी। आई वांट टू सो इसको अब रिपोर्ट के तौर पे हमें शेयर करना है। तो दो चीजें हैं, एक आपने इसको साइन इन कर रखा है तो आप इसको दो चीजों से कर सकते हैं। एक तो इसको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, इसको आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो एक पीडीएफ डिफरेंट लोकेशंस में एक पीडीएफ सेव हो जाएगी और आप उस पीडीएफ को देख सकते हैं या किसी को भेज सकते हैं, पर प्रोटेक्टेड होगा, इसलिए प्रोटेक्टेड होगा। देखिए प्रोटेक्टेड फॉर्म में आपका ये रिपोर्ट तैयार हो गया पीडीएफ फॉर्म में। दूसरा, अगर मैंने इसको यहाँ से पब्लिश कर दिया, आप होम मेनू बार में आए, यहाँ पे पब्लिश दिख रहा है, पब्लिश कर दिया, तो फिर ये चला जाता है मेरे ऑनलाइन रिपोर्ट्स में, और इसको मैं सेव भी कर देता हूँ फाइल। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं माई वर्क स्पेस, या कोई और फोल्डर है तो कोई और फोल्डर सिलेक्ट कर लीजिए, और इसको आप ये देखिए आपका पब्लिशिंग हो रहा है, ये आपका वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर रहा है। बस इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिस समय आप पब्लिश करते हैं। उसके बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये क्या होगा कि इस मेरा जो साइन इन करने के लिए बोलेगा आपको, और इस पर साइन इन कीजिए। लास्ट वीडियो में जो हमने आईडी बनाई थी एक्सेल वाली, excel@iptindia.com, उसी आईडी से इसने लॉगिन कर दिया। नहीं, इसने दूसरे से किया है, kumar@iptindia.com से किया।
ओके, तो इसको साइन आउट कर सकते हो, तो ई रिपोर्ट वहाँ पे आपका चली जाएगा, चला जाएगा। मैं यहाँ पे पावर बीआई यहाँ से साइन इन करता हूँ, जो कल हमने आईडी बनाई थी एक्सपायर। हेलो, सॉरी सर इंटरप्ट के लिए। तो यहाँ पे हम अपनी आईडी को, पावर बीआई को लॉग इन करते हैं, वो है हमारा excel@ipt-india.com। नहीं, पावर बीआई चला, pawarbi@iptindia.com। और यहाँ पे हम अपने पासवर्ड डालते हैं। इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम उससे पूछेगा नहीं। तो जो हमने रिपोर्ट यहाँ पे तैयार किया, इस रिपोर्ट को मैं पीडीएफ फॉर्म में और पावर बीआई की जो टेम्पलेट फॉर्म होती है उस फॉर्म में मैंने इसको एक्सपोर्ट तो कर लिया है, और इसको हमने पब्लिश कर दिया आपने माइक्रोसॉफ्ट की ऑनलाइन पे। और ये देखिए, ये पावर बीआई की जो वेब वर्जन है उस पर हमने कर दिया। अब यहाँ पे माई वर्क स्पेस पे जाइए, क्योंकि वहां पे मैंने जो फोल्डर सेलेक्ट किया था वो माई वर्क स्पेस को सिलेक्ट किया था, तो ये रिपोर्ट हमारे इस पे आ जाता है। अभी यहां से इसको हम डिफरेंट और भी नई चीजें कर सकते हैं। देखिए, रिपोर्ट्स में आपके सामने एम्बेड आ रहा है, अब इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका ओपन हो जाएगा। अब इसको अगर आप मान लीजिए शेयर करना है तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास प्रीमियम आईडी होना चाहिए। तो शेयर किसको करेंगे, शेयर ड्राइव की तरह शेयर हो जाएगा और किसी की सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई यूजर है उनके पास चला जाएगा, और उस रिपोर्ट को शेयर विथ मी जो फोल्डर है उस फोल्डर से आराम से देख सकते हैं कि उनको कौन कौन रिपोर्ट शेयर किया गया है। इसे मेल करने की कोई जरूरत नहीं है, शेयर विथ मी करते ही उनके फोल्डर्स में सारे शेयर्स रिपोर्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए, उसके अलावा अगर इस रिपोर्ट्स में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको डब्ल्यू डेस्कटॉप पे जाने की सॉरी पावर बीआई डेस्कटॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से ही इसको एडिट रिपोर्ट कीजिएगा तो इसमें पूरा डिटेल्स आपको आ जाएगा, तो यहीं से रिपोर्ट्स को तो एडिट कर सकते हैं। और इसके अलावा इस डेटा को सेव एज रिपोर्ट कॉपी कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं, पब्लिश ऑन द वेब कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इन द पावर पिवट कर सकते हैं, तो पावर पॉइंट में भी इसको डाल सकते हैं। वेब मतलब कि किसी को देना चाहते हैं तो इसका एक आप एम्बेड वर्जन आपको मिल जाएगा, बट तो इसकी सेटिंग थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा एम्बेड कोड की। तो लेकिन ये क्या है कि फ्री आईडी है, मेरा जो पेड वर्जन था वो कुमार आईपीटी इंडिया रोम था, तो वहां पे देखेंगे तो वहां आपको सब कुछ मिलेगा। इसमें था, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, तो पेड वर्जन होना चाहिए। ऑफिस में तो आपका पेड वर्जन ही होता है। तो आई होप आपने समझा कि आखिर पावर बीआई से हम किस तरह की रिपोर्ट और कैसे रिपोर्ट बनाएंगे और किस तरह से इसको यूज करेंगे, ये आपका क्लियर हो गया होगा। फिर हम अगली अगली वीडियोज में हम क्लियरली शुरू से स्टार्ट करेंगे कि कैसे पावर बीआई का इस्तेमाल शुरू से करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, हम आपके साथ अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप पावर बीआई ओपन करके कुछ डेटा को लोड करके इस तरह की रिपोर्ट बनाने की कोशिश करें, मतलब उसको छेड़ने की कोशिश करें ताकि कुछ आपको समझ में आए कि है क्या। वैसे मेरा जहां तक सोच है पावर बीआई जो है टैबलो का ही, सॉरी टैबलो ऐसा ही तो है, लेकिन पिवट टेबल एंड पावर पिवट टेबल का एडवांस वर्जन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारी वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कर लें। अगर आप पेन ड्राइव परचेज करना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं,
अब हमारी लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो भी हमारी वेबसाइट को लॉगिन कीजिए, डेमो क्लास का फॉर्म भरिए, दो चार क्लास डेमो लीजिए, फिर आगे हम डिस्कस करें।